किसी विधानसभा के सदस्य, प्रदेश के वरिष्ठ नेता, विधानसभा के उपाध्यक्ष तो पिछले सत्र में हमारे बीच मौजूद थे, अचानक हमसे बिछुड़ गए। वो केवल कर्मठ नेता नहीं थे, उनका व्यापक जनाधार था और वो तोड़ने में ही लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते थे। ऐसे हरवंश सिंह जी को, स्वर्गीय हरवंश सिंह जी को, प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, सहकारिता के पुरोधा, स्वर्गीय सुभाष भाई, जिनका प्रदेश की राजनीति में अहम योगदान है और कुशल संगठक और कुशल प्रशासक के नाते जाने जाते थे, जीवन भर हम जिनको विद्या भैया कहते रहे, 1957 में जो सबसे युवा सांसद बने और जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल केंद्रीय मंत्री के पद का दायित्व निभाया बल्कि वो समाज जीवन के बाकी क्षेत्रों से भी जुड़े रहे। वो शहीद हुए नक्सली हमले में, भावनाबेन चिकलिया जो केंद्रीय मंत्री थी और उनके साथ हमारे जुझारू और कर्मठ नेता चंद्रमणि त्रिपाठी जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल दो ऐसे नाम हैं जो जूझते रहे, विशेषकर महेंद्र कर्मा जी नक्सलवाद के खिलाफ सलमा जुरूम अभियान और आंदोलन उन्होंने चलाया। कई बार हमले होते रहे लेकिन वो बचते रहे, लेकिन इस बार अंततः वो मौत को मात नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी अद्भुत संगठन की क्षमता उनमें थी, लेकिन दुखद तो यह है कि वो तो शहीद हुए ही, उनके साथ उनके युवा पुत्र की भी क्रूर और नृशंस हत्या हुई। हम लोगों ने उनको भी श्रद्धांजलि दी है। गौरीशंकर कौशल जी को आप सब, हम सब जानते हैं, इस सदन के सदस्य भी रहे लेकिन आर्य समाज के काम को प्रदेश में बढ़ाने में उनका अहम योगदान था और भारतीय जनता पार्टी के तो वो स्तंभ थे ही। उनके साथ साथ उदय मुदलियार जी, अनंत वर्मा जी, कुसुमकांत जैन जी, सुप्यार सिंह जी जो बरेली से विधायक थे और बड़े प्रतिभाशाली नेता थे, और उसके साथ साथ उत्तराखंड की इस शताब्दी की सबसे भीषण आपदा में जो साथी नहीं रहे और अभी भी बड़ी संख्या ऐसी जो लापता है, उन सबके चरणों में और नक्सली हमले में भी मारे गए बाकी सभी सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ताओं के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन आज हमने अर्पित किए।